नमस्कार, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद पूनम में। दोस्तों, आज हम हरे प्याज की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सब्जी है मगर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। मगर उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हरे प्याज की सब्जी बनाने की सारी सामग्री हमने इकट्ठा कर ली है और मैं भी आपको बताऊंगी एक एक करके कि हम उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए हैं। तो ये प्याज के पत्ते हैं जिसको हमने धो के बारीक काट लिया है। दो हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं उबले हुए, उसको भी हमने काट के रख लिया है। एक कटोरी मटर लिया है हमने। एक प्याज लिया है जिसको भी हमने बारीक काट लिया है। दो टमाटर है मीडियम साइज़ का, उसको भी हमने काट के रख लिया है। एक चम्मच अदरक लहसुन है, इसको हमने क्रश कर लिया है कद्दूकस से। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, और नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया है, आधा छोटा चम्मच पंचफोरन है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अपने अनुसार आप यूज करें, और गरम मसाला, और सरसों का तेल ले लेंगे जिसमें हम सब्जी को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें तेल डालेंगे दो चम्मच। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसमें पंचफोरन डाल देंगे। अब हम अदरक लहसुन डाल के भूनेंगे, हल्का गोल्डन हो जाएगा तब हम तुरंत इसमें प्याज डाल देंगे। तो हमने प्याज को भी डाल दिया और इसको भी हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनेंगे। तो प्याज भी हमारा गोल्डन हो गया, अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो आधा चम्मच हमने कश्मीरी पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। इसको सब मिक्स करके हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और चला के इसको थोड़ी देर ढक के हम इसको पकाएंगे। तो देखिए, हमारा टमाटर अब सॉफ्ट हो गया, हम इसको अच्छे से मसल देंगे और अब इसमें मटर डाल देंगे। मटर को भी हम चला देंगे और उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और अब हम इसको ढक देंगे। अब उसका ढक्कन हटा के हम इसको चलाएंगे और उसके बाद हम पत्तों को, प्याज के पत्ते जो हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे पूरी तरह से। और उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा के इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। तो अब हम ढक्कन लगा हटा के इसको चला देंगे थोड़ी देर और फिर दोबारा हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकने देंगे। तो देखिए, सब्जी हमारी अब पक गई। अब इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐड कर देंगे जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसको गैस से हम नीचे उतार लेंगे। तो अब एक सर्विंग बाउल में हम सब्जियों को ट्रांसफ़र कर लेंगे और सारी सब्जी हम इसमें निकाल लेंगे। तो हमारी सब्जी अब तैयार है सर्व करने के लिए। ये सब्जी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी। तो हमारी सब्जी अब बनके तैयार है सर्व करने के लिए, और बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।